बहुत लोग कह रहे थे लैक ऑपरॉन, हमें इम्यूनिटी डिस्कस करना था बट हम लैक ऑपरॉन को डिस्कस कर रहे हैं पहले, बहुत लोगों से डाउट था लैक ऑपरॉन, इंपॉर्टेंट भी है लैक ऑपरॉन, तो फर्स्ट लैक ऑपरॉन को डिस्कस कर लेते हैं देन आफ्टर इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। लैक ऑपरॉन एक मॉडल था, क्या था? लैक ऑपरॉन मॉडल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैक ऑपरॉन मॉडल। लैक ऑपरॉन मॉडल को दिया किसने था? दो साइंटिस्ट थे जैकब एंड मोनैड, इन दो साइंटिस्टों ने, जैकब और मोनैड ने मिलकर क्या किया था, लैक ऑपरॉन मॉडल को प्रपोज किया था। कब प्रपोज किया था? इन 1961। और किस पे वर्क करके किया गया था? प्रोकैरियोट्स पे। प्रोकैरियोट्स इट मींस बैक्टीरिया, तो प्रोकैरियोट्स मतलब किस पे? बैक्टीरिया। और यहां पे भी किस पे था? दैट इज इकोलाई। कौन सा बैक्टीरिया था? दैट इज इकोलाई, एस्चिन कोलाई भी कह सकते हो। तो लैक ऑपरॉन मॉडल को प्रपोज किसने किया था? जैकब एंड मोनैड ने 1961 में। किसमें? प्रोकैरियोट सेल, प्रोकैरियोट्स में मतलब बैक्टीरिया में, इकोलाई। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? तो पहला पॉइंट यही था कि लैक ऑपरॉन मॉडल जैकब मोनैड ने दिया 1961 में, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया इकोलाई। सेकेंड चीज क्या होता, लैक ऑपरॉन वर्ड का मीन था, लैक वर्ड का मीन क्या था? लैक वर्ड मींस था लैक्टोज, और ऑपरॉन वर्ड मींस क्या था? सेट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड जीन विच रेगुलेट द मेटाबॉलिक पाथवे इन द बैक्टीरिया। बात समझ में आ रही? यहां पे लैक्ट वर्ड का मतलब था, लैक वर्ड का मतलब था लैक्टोज, लैक वर्ड का मतलब क्या था? लैक्टोज। और ऑपरॉन मतलब क्या था? सेट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड जीन, मतलब क्लोजली प्लेस्ड जीन का सेट हो जो कर क्या रहा हो, बैक्टीरिया के अंदर जो मेटाबॉलिक पाथवे है उस मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट कर रहा हो। क्या कर रहा हो? उस मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट कर रहा हो। बात समझ में आ गई कि ऑपरॉन मतलब क्या? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीन्स, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीन्स विच रेगुलेट द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ द बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक पाथवे को क्या करता था? रेगुलेट करता था। सेकेंड चीज क्या है, ये हमने एक लैक ऑपरॉन देखा, यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा लैक ऑपरॉन में। ये लैक ऑपरॉन के क्या है? अलग अलग जीन्स है लैक ऑपरॉन में, इसमें अलग अलग जीन्स है। दो केस स्टडी होगी, दैट इज केस वन एंड दैट इज केस टू। ये आपसे केस वन मान लो, केस टू मान लो, ठीक है। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, इसमें क्या है, आप देखो पहले कौन कौन से जीन्स पाए जाए। फर्स्ट डिस्कस करते हैं कौन कौन से जीन्स पाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट कौन कौन से जीन्स पाए जा रहे हैं, दैट इज प्रमोटर। ये कौन सा है? प्रमोटर, इनहिबिटर। दूसरा क्या है? प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड जीन, वाई जीन, ए जीन। इनकी लेबलिंग कर लेते हैं, ये और ये दोनों कौन से जीन्स होते हैं? ये और ये दोनों होते हैं प्रमोटर। क्या होते हैं? प्रमोटर। इस आई जीन को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड रेगुलेटर। इसे क्या कहते हैं? रेगुलेटर। ये क्या होता है? दैट इज ऑपरेटर। इसे क्या कहते हैं? ऑपरेटर। और ये जो जेड है, वाई है, ए है, दीज आर स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। तो कौन कौन से हैं? प्रमोटर, प्रमोटर, ये आई से इनहिबिटर कहते हैं या रेगुलेटर जीन कहते हैं। ये ऑपरेटर होता है, ओ से, जेड, वाई, ए, ये तीनों क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। तो सेम यहां भी है, दैट इज प्रमोटर, इनहिबिटर या रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड, वाई, ए आर स्ट्रक्चरल जीन्स। सेकेंड चीज क्या है, जो इनहिबिटर्स होते हैं, यहां पे इनहिबिटर ये बेसिकली क्या है? जीन्स है। एंड एज वी नो, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज वी नो, हम जानते हैं कि द जीन्स आर, द जीन आर स्मॉल फ्रेगमेंट, स्मॉल
फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, तो जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं, मतलब डीएनए का फंक्शन शो करेंगे। तो जो इनहिबिटर रेगुलेटर जीन है ये करता क्या है, डीएनए की तरह वर्क करता है, जीन है तो डीएनए की तरह वर्क करता है, तो डीएनए की तरह वर्क करेगा तो ये करता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो इसने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन किया, क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन, और करके क्या बनाते हैं, एमआरएनए। फिर ये एमआरएनए क्या शो करता है, ट्रांसलेशन, क्या शो करता है, ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन करके क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं, क्या कहते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। बात समझ में आ गई कि जो आई जीन है इनहिबिटर जीन, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा एमआरएनए, ट्रांसलेशन करेगा प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाएगा उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। बात समझ में आई, इसके आगे कुछ बना हो उसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज जेड वाई ए, जो कि स्ट्रक्चरल जीन है, जेड जीन जो है वो भी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जीन मतलब डीएनए ना, तो ये भी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मतलब क्या बनाएगा, एमआरएनए, क्या बनाएगा, एमआरएनए, सी दिस, क्या बना रहा है, एमआरएनए। फिर ये जो एमआरएनए ये ट्रांसलेशन कराएगा और क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज, क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सेम वाई जीन क्या बनाता है, परमिएज, ए क्या बनाता है, दैट इज ट्रांस एसिटाइलेज, क्या बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक, सारे जीन का फंक्शन, ये प्रमोटर प्रमोट करेंगे फंक्शन को, ऑपरेटर ऑपरेट करेगा, इनहिबिटर क्या कर रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, तीसरा जेड क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाई क्या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, परमिएज बनाने के लिए, ए क्या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांस एसिटाइलेज बनाने के लिए। अब देखिए यहां पे जो बेसिकली जेड वाई ए जीन्स होते हैं, ये जीन्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये एक्सपेरिमेंट किया किसमें गया था, इकोलाई पे। तो मान लीजिए ये क्या लिया गया है, इकोलाई बैक्टीरिया लिया गया है, ये इकोलाई लिया गया है, ये उसकी सेल वॉल है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम से लिख रहा हूं। अब यहां पे ये बाहर एक मीडियम है, यहां पे क्या है, लैक्टोज सुगर। अब ये लैकोपरॉन फंक्शन कैसे करता है, दो फंक्शन करता है, एक स्विच ऑन का फंक्शन करता है, दूसरा स्विच ऑफ का फंक्शन करता है, दो फंक्शन शो करता है। तो यहाँ पे हम ये पहला केस डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे मान लीजिए सारे जीन्स फंक्शन है, तो यहाँ पे आपको सारे जीन्स का क्या क्या फंक्शन होता है समझ में आ गया। ये जेड क्या बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसिडेज बना रहा है, Y क्या बना रहा है, परमिएज, और A क्या बना रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज। जीन के जो फंक्शन है वो सब आपको पता चल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों केस स्टडी करते हैं, केस वन केस टू। केस वन पे पहले आते हैं, केस वन पे हम क्या कह रहे हैं, प्रमोटर है आपका, इनहिबिटर है, इनहिबिटर ने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन किया और क्या बनाया, एमआरएनए, फिर ट्रांसलेशन हुआ, क्या बना, प्रोटीन बनी, क्या बनी, प्रोटीन। अब देखिए मैं आपको बताया, अभी बताया पीछे, ये जो प्रोटीन बनती है कौन सी प्रोटीन बनती है, दैट इज रिप्रेसर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बनी, रिप्रेसर।
अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है जाके करती क्या है, बाइंड कर लेती है। किसके साथ बाइंड करती है? ऑपरेटर के साथ बाइंड कर लेती है। क्या करती है? ऑपरेटर के साथ बाइंड कर लेती है और आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज को रिलीज होने नहीं देते, जिससे ये आपका जो स्ट्रक्चरल जीन होता है ये ऑपरेट नहीं हो पाता। इस स्ट्रक्चरल जीन को ऑपरेट करने का काम, पूरे ऑपरॉन को ऑपरेट करने का काम कौन करता है? ऑपरेटर करता है। तो जब ये इनहिबिटर रिप्रेसर प्रोटीन जाकर इससे जुड़ जाता है, बाइंड कर जाता है, तब ये स्ट्रक्चरल जीन अपना फंक्शन शो नहीं करते हैं। और यह होता कब है? इट इज अकर इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। ये इंड्यूसर के अब्सेंस में होता है। जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो ये चीज नहीं होगी। और इंड्यूसर की तरह यहाँ पे काम कौन करता है? दैट इज लैक्टोज सुगर। कौन काम करता है? लैक्टोज सुगर किसकी तरह काम करता है? इंड्यूसर की तरह काम करता है। और हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज के डाइजेशन के लिए, किसके लिए? लैक्टोज के डाइजेशन के लिए सुपरान का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब लैक्टोज ही, आप खुद सोचो, जब बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है, लैक्टोज अब्सेंट है, तो लैक्टोज जब अब्सेंट है तो इन जीन से रिलीज करने वाले एंजाइम का कोई फंक्शन नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम होता है ये करता क्या है? लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है और यही ग्लूकोज किसको मिल जाता है? ये ग्लूकोज मिलता है किसको? ग्लूकोज ये मिलेगा बैक्टीरिया को, जिससे वो अपना फंक्शन बॉडी का करता है, उसको एनर्जी मिल रही होती है। तो जब लैक्टोज है ही नहीं, जब लैक्टोज है ही नहीं इकोलाई के अंदर, तो क्या लैक्टोज की डाइजेशन करने की जरूरत है? नहीं है। तो कोई भी जेड जीन को बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, दूसरा वाई जीन जो होता है वो क्या बनाता है? परमिएज बनाता है, जो करता क्या है? परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है? परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो जो आपका वाई जीन था वो क्या बना रहा था? परमिएज, जो परमेबिलिटी को क्या कर रहा था? इंक्रीज। परमेबिलिटी किसकी परमेबिलिटी इंक्रीज करता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज और लैक्टोज की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो जब लैक्टोज इसके अंदर है ही नहीं, अब्सेंट है लैक्टोज, लैक्टोज का मॉलिक्यूल अब्सेंट है, तो क्या कोई जरूरत है कि बीटा गैलेक्टोसिडेज अंदर जाए डाइजेस्ट करने के लिए? नहीं। तो परमिएज का भी कोई काम नहीं होता। तो जब लैक्टोज भी नहीं है तो इन जीन का कोई काम नहीं है, तब ये रिलीज होता है रिप्रेसर प्रोटीन और जाके इसके साथ ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है और इस सिस्टम को क्या कर देता है? स्विच ऑफ कर देता है। क्या करता है? सिस्टम को स्विच ऑफ कर देता है। पहला केस समझ में आया? दूसरा केस देखिए, दूसरा केस वही जस्ट इनहिबिटर जो है आपका, ये अभी भी जो काम वहां कर रहा था वही काम यहाँ, अभी भी ये क्या बनाएगा? अभी भी ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा, लेकिन हियर द लैक्टोज सुगर इज प्रेजेंट। यहाँ पे लैक्टोज सुगर क्या है? प्रेजेंट है, मतलब इस बैक्टीरिया के अंदर, इकोलाई के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है, तो इसको हमें डाइजेस्ट करना है। तो डाइजेस्ट करने के लिए अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा? डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसका हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी। तो लैक्टोज प्रेजेंट है, इसलिए ये लैक्टोज किसकी तरह काम करता है? इंड्यूसर की तरह काम करता है। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन इसके साथ जुड़ के इसके फंक्शन को प्रिवेंट कर रही थी, ये इंड्यूसर इसी के साथ, ये इंड्यूसर इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है और करता क्या है? इनएक्टिव रिप्रेसर। और जो रिप्रेसर प्रोटीन थी उस रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देता। क्या करता है रिप्रेसर प्रोटीन को? इनएक्टिव। बात समझिएगा कि यहां पर जब रिप्रेसर बना तो रिप्रेसर जाके बाइंड कर सकता था ऑपरेटर से, ऑपरेटर से अगर बाइंड कर जाता तो फिर से पूरा ऑपरॉन स्विच ऑफ हो जाता, लेकिन स्विच ऑफ नहीं करना है क्योंकि लैक्टोज है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो हमें स्विच ऑन रखना है। तो अगर लैक्टोज है तो वो किसकी तरह काम करेगा? इंड्यूसर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? इंड्यूसर की तरह काम करेगा, इंड्यूस करेगा। किसकी तरह काम करेगा? इंड्यूसर की तरह। तो यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है? इंड्यूसर की तरह।
अब ये उसके साथ जाके कंबाइन करेगा और जैसे ही रिप्रेसर के साथ कंबाइन करेगा, रिप्रेसर अपना फंक्शन को ऑफ होगा और रिप्रेसर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। इनएक्टिव होने का मतलब अब ये जाके ऑपरेटर से कंबाइन नहीं करेगा। तो जब ऑपरेटर से कंबाइन नहीं करेगा तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम था वो क्या होगा, रिलीज होगा और ये सारे फंक्शन को ऑपरेट करेगा। ऑपरॉन जो है उसका वर्क कर रहा होगा, तो अगर ये ऑपरेटर वर्क करेगा तो पूरा ऑपरॉन वर्क करेगा। मतलब जेड क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा जो बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज को रिलीज कराएगा, जिससे सिस्टम को क्या, जिससे सेल को, इकोलाई के सेल को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। इसके साथ साथ परमिएज भी रिलीज होगा जो उसकी परमिबिलिटी को क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। बात समझ में आया लैकोपरॉन? कोई दिक्कत नहीं, बस एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे सारा काम इसका है, रेगुलेटर का। अगर लैक्टोज सुगर अब्सेंट है, क्या लैक्टोज अब्सेंट है, तो इकोलाई में कोई काम करना ही नहीं है, इसलिए ये स्विच ऑफ हो जाता है। और अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो वही किसकी तरह काम करेगा, इंड्यूसर की तरह, इंड्यूस कर देगा। और वो इंड्यूसर की तरह जो काम कर रहा है वो रिप्रेसर से जाकर जुड़ेगा और रिप्रेसर को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं है इसमें? ये आपका लैकोपरॉन मॉडल था, ठीक है, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप क्लियर हो चुका होगा अब तक सारे डाउट्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है, ठीक है, और अपने आप तैयारी करते रहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।